बैकयार्ड में बहुत बड़ा प्रैंक करने जा रही हूँ यार। एक मिनट, ये मुझ पे ना गलत प्रैंक जा रहा है, मम्मा सब गलत समझ रहे हैं। हाँ हाँ ऐसा है, सच में है, वो लड़का है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने उससे शादी करनी है। लड़का लड़का जो है वो किधर रहता है, कौन है? अभी मैं मम्मी की रेसी में लिटरली यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, वाओ, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है, फुल हवा चल रही है और इस हवा में मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। सो आज का जो मैं अंदर जाके बताती हूँ, ओके, सो लिटरली मुझे यहाँ से भाग के जाना पड़ेगा। ओके, ऐसे इतनी बारिश में अब मैं पहले जा रही हूँ कैफे, फिर वहाँ जाके मैं आपको साफ जाती हूँ। लिटरली मैं फुल भीग चुकी हूँ, इतनी तेज बारिश ऐसे हो सके, बट कोई बात नहीं, आपको बारिश में भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए आपको बारिश में भी। तो आज आप लोग मेरा बारिश वाला ब्लॉग देखेंगे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बना रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी में ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई ट्रेजेडी ना हो। तो आज ना मैं बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ करने वाली हूँ, ठीक है। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा प्रैंक करने जा रही हूँ, ठीक है, तो जिससे मुझे भी खतरा है, ठीक है। तो मैं भी आपको जाके बताती हूँ, कैफे में जाके वहाँ जाके सुकून से बैठ के बताती हूँ कि मैं क्या प्रैंक करने वाली हूँ। ठंड, बारिश, बढ़ाओ भैया, भागो भागो भागो। अभी लोग इधर से हम लेंगे एक पुलाव और वो खाते हैं, और साथ हमने टोकन लिया है उसका पीच जूस का। अभी तो ये आ गया हमारा पीच जूस। और गाइस, सो फाइनली बारिश तो रुक चुकी है और मैंने खाना वगैरह भी खा लिया। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली में प्रैंक जो है वो करना क्या है। तो मैंने प्रैंक ये करना है कि मैं बाबा को ये बोलूँगी कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मतलब ये ऐसा प्रैंक होगा कि बाबा देख के बोलेंगे कि उन्होंने मेरा कत्ल कर देना लिटरली। तो बहुत रिस्क वाला प्रैंक है, ठीक है, बट मैं फिर भी करूँगी और बहुत मज़ा आने वाला है। बट उससे पहले मैंने सोचा कि बाबा को शक डलवाना है, ठीक है। तो मैं शक पता है किस तरह से डलवाना है, मैंने अभी वहाँ सामने हमारी यूनिवर्सिटी के सामने से मिलता है एक बुके, फ्लावर्स का बुके लूँगी और वो गाड़ी में ले जा कर बैठूँगी और देखते हैं बाबा को लगेगा, पता नहीं किसी में बोलूँगी मेरे एक दोस्त ने दिया है, तो वो उनको इससे शक तो होगा मुझ पर, ठीक है। फिर मैं जाकर उनको बता दूँगी और बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो मैंने अंकल से फ्लावर्स मंगवा लिए थे, थैंक यू अंकल। तो असल में मुझे ये वाले अंकल ने दिया, बट अब हमारे फ्लावर्स आ चुके हैं, ठीक है, और अब बहुत मज़ा आने वाला है प्रैंक करने का। अब मैं ये लेकर जो है ना गाड़ी में बैठूंगी, ठीक है, और बाबा को बोलूंगी कि मुझे मेरे दोस्त ने दिया, फिर देखते हैं बाबा का क्या रिएक्शन होता है। तो मैं बाबा को कॉल करके बुला लेती हूँ क्योंकि मैं फ्री हो गई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके यार, सो फाइनली बाबा आ चुके हैं। मैं बहुत, मुझे हो रहा है कि मैं इस फ्लावर्स लेके बैठूंगी, बाबा का क्या रिएक्शन होगा मुझे समझ से बाहर है। और आ गए हैं वो, मुझे अभी देख ही रहे हैं। हैं गाड़ी में और भी कोई है? वही तो मम्मा आई हुई है, मतलब अगर मम्मा आई है तो और भी रिएक्शन होगा। मैं पीछे जाके बैठने लगी हूँ, देखते हैं क्या होता है। हेलो, आज मम्मा भी आई हुई है लेने के लिए? जी, आज ना हम काम निकले थे। मैंने कहा अच्छा, मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ, आज लेट हो गई थोड़ा सा। ये अच्छे है ना? क्या ये वो नहीं, वो मेरे दोस्त ने एक दिए थे। आजकल तो वैसे फूल होते नहीं, वो ऐसे ही पता नहीं दे दिए। दे दे, नहीं वो दोस्त ही है तो वैसे ही दे दिए थे। आइंदा से लड़के किसी से फूल नहीं लेने, मैंने आपको कही था, समझाया भी लड़कों को चीज फूल वगैरह देते हैं तो उनका मकसद पीछे को और होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो केयरिंग लेना, ठीक है ना? आइंदा ना मुझे कहना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, ओके, हाँ। और गाइस, फाइनली हम लोग घर आ गए, ठीक है, अब करते हैं रेस्ट। और ये ज़ैनब यहाँ पे तैयार शैर होके काहे बैठी हुई है, कहाँ जा रही हो? एकेडमी जाना था लेकिन मैं गई नहीं। ये किसने दिया? ये फूल जैसे मर्जी दिया, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? ये क्या बड़ी बहन हूँ, मुझसे मत पूछो। मेरे दोस्त ने दिया। हाँ क्यों, तुम्हें क्या? आज वैलेंटाइन डे तो नहीं है, तो जो भी मर्जी हो मुझे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? क्या सच है? क्या फूल किसने दिया है? तुम बताया तो है, दोस्त ने दिए हैं। तेरी दुकान में गाड़ी में ना लड़खड़ा रही थी, मुझे पता चल रहा था, इसलिए मैं ना चुप रही। मैंने कहा कि पापा को कहीं शक ना पड़े, मुझे सच बता। चलो यार, एक मिनट तुम लोगों को बता दूं, क्योंकि ये प्रैंक तो मैं एक्चुअली पापा के साथ कर रही थी। मैं प्रैंक कर रही हूँ पापा के साथ, उनको मैंने कहना है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, उनको मैं शक दिलवा रही हूँ। सही, गार्ड अंकल से मंगवाया, आप व्लॉग देखे ना, कसम से गार्ड अंकल से मंगवाया। अब लोग व्लॉग देख रहे हैं, ये सच्ची में ना शक करने लग जाओ मुझ पर, सच्ची में मेरा कोई भी नहीं है, राबे बहुत शरीफ लड़की है। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैंने गार्ड अंकल से मंगवाया है, ठीक है। अब मुझे यकीन आ गया। तो अब आप लोगों ने मेरा साथ देना है पापा के साथ प्रैंक करने में, उनको मैंने ये कहना है आज घर अभी तो वो मम्मा को सच में शक हो रहा था। अब पापा अभी तो काम के लिए चले गए, ठीक है, अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। पापा जब घर आएंगे तो उनको मैं बोल दूंगी साफ कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तू हर प्रैंक करने के लिए मुझसे मशवरा करती है, लेकिन आज क्यों नहीं किया?
यार क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थी इसीलिए नहीं किया। अब मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी में सोचा था ना ये प्रैंक करूं, क्योंकि पता क्या हुआ सुबह ना मैं ये ना फूल छुपाने के लिए प्रैंक का नाम देके तो अल्लाह यार एक मिनट ये मुझ पे ना गलत प्रैंक जा रहा है, मम्मा सब गलत समझ रहे हैं। सीरियसली मैंने गार्ड अंकल से फूल मंगवाए कि मैंने कहा मैं प्रैंक करूंगी बाबा से, बाबा को शक हो जाए। ओके यार तो मैं थोड़ी देर सोने लगी हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ठीक है फ्रेश होकर मैं सोती हूँ, उसको जब बाबा आ जाएंगे घर तो देन हम नेक्स्ट जो है ना वो प्रैंक को कंटिन्यू करेंगे। सो ये ओके गाइस, फाइनली मैं उठ गई थी और बाबा भी घर आ चुके हैं, ठीक है अब भी हो रहे हैं हमारे टाइम, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं, ठीक है तो अब हम लोग अपना प्रैंक स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पार्टनर जो है वो मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ पे, आर यू रेडी फॉर द प्रैंक? यस, जैनब भी रेडी है और मम्मा भी तो सामने रेडी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फ्लावर वाला शक तो हमने डलवा दिया, अब सबसे पहले मैंने भेजना है बाहर जैनब को, ठीक है। और जैनब जाएगी बाहर जाकर बाबा को बोलेगी कि राबिया का जो है ना, राबिया आजकल किसी लड़के से बातें कर रही है। ओके यार सो बाबा जो है बाहर मूवी देख रहे हैं। अब जैनब को मैंने ये प्लान बताया, जैनब सुन लो मेरा प्लान, तुमने जाना है बाहर, ठीक है। तुमने पता है क्या कहना है बाबा को? तुमने जाके कहना है कि बाबा जी मैंने आपको ना एक बात बतानी है कि राबिया ना आजकल ना किसी लड़के से बातें कर रही है, ठीक है। तो ये कह के फिर उसके बाद तुमने क्या कहते हैं अपने साथ ना रिकॉर्डर लेके जाना है, ठीक है। जब तुम रिकॉर्डर लेके जाओगी ना तो रिकॉर्डर से ये होगा कि बाबा की आवाज़ तेज़ आएगी, क्योंकि मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगी ना छुपके कि उनका रिएक्शन कैसे तुम्हें सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अपना जो सिपाही भेज रहे हैं ना सोल्जर, वो भेज रहे हैं जैनब को, जो रिकॉर्डर लेके जाएगी अपने साथ, ठीक है। और मम्मी सामने ही बैठी है। मैंने क्या आजकल तौर तरीके ठीक नहीं? हाँ मम्मा की ये लाइन है, ठीक है। मैंने दो एक्ट्रेस रेडी कर ली, एक मम्मा डांटेंगे नहीं, आपने भी साथ डांटना है मुझे। अगर मैं आपको सच में बताऊँ की मेरा कोई आप ऐसे कहेंगे आगे से डांटे की ना, जैसा रिएक्शन रियल में आपने वैसा देना, ठीक है। एक्टिंग सही करनी है, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों का काम पूरा हो जाएगा फिर लास्ट मैं जाऊंगी जाके बोलूंगी कि मैंने आपको, नहीं फिर मुझे बाबा बुलाएंगे फिर मैं जाके बता दूंगी कि हाँ हाँ ऐसा है सच में है वो लड़का है मुझे अच्छा लगता है मैंने उससे शादी करनी है, मज़ा आएगा। अच्छा और जैनब को मैं माइक दे रही हूँ, इस रिकॉर्डर को ना ऑन करके ऐसे अपने हाथ में रख लेना, ठीक है। और तुम्हें ले जाना वहाँ जाकर क्वेश्चन पूछा तो इसमें आवाज़ आ जाएगी और यहाँ से मैं आपको कैमरा से दिखाऊंगी और आपको आवाज़ भी आ जाएगी और यहाँ से कैमरा से आप लोगों को दिख भी जाएगा। तो स्टार्ट करें और फिर रुक जाओ क्या बोलोगी मुझे पहले बताओ, बोलोगी क्या? जैनब रिहर्सल्स करके दिखाओ जल्दी, आहिस्ता बोलने लगे पापा। हाँ रिहर्सल्स करके दिखाओ। हेलो ये ऑन है ना, नीचे से ऑन है ना? नहीं अभी नहीं। तुमने बस जाके ये कहना कि पापा जी मैंने आपको एक बात बतानी है, ठीक है। ना लड़के से बात करती है, ये नहीं कहना तुमने, कहना है तुमने कहना है कि आजकल राबिया की किसी लड़के से बातें चल रही है, रोज मैसेज करती रहती है, हमेशा फोन में लगी रहती है और मैंने उसके मैसेज भी पढ़े हैं, ये तुमने कहना। हाँ और उसको आपने देखा उसी लड़के ने, और कहना फूल का थैंक यू बोल रही थी उसको, ये बोल देना, ठीक है। पापा ने कहना तुम्हें कैसे पता कि वो थैंक यू बोल रही थी? तुम कहना मैंने कॉल पे सुना है, बातें सुनी है, कहना मैंने बातें सुनी, हाँ बातें सुनी है, ठीक है। तो गाइस हमने जैनब को रेडी कर दिया, तुमने फुल सीरियस होकर जैसे शिकायत मतलब पापा की चमची ऐसे बन रहा है, मम्मा ने आपने फुल डांटना है मुझे, ठीक है। बल्कि इतना डांटना कि पापा कहेंगे ना डांटो, ठीक है चल जाओ जाओ, रिकॉर्डर ऑन है ना, फोन का रिकॉर्डर ऑन करो, मैं पीछे से वीडियो बनाती रुक जाओ। ओके यार तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ठीक है पापा उधर ही बैठे हैं, अब मैं यहाँ पर जो है ना वो कैमरा रख कर और वहाँ से आवाज़ रिकॉर्ड कर लेगी और अब छुप के रिकॉर्ड करते हैं। पापा एक बात बतानी है आपको, राबिया की शिकायत। आपको पता है ये रोज रात को मैसेजेस कर रही होती है किसी को और इसको किसी ने फूल भी दिया किसी लड़के ने और ये उसे थैंक यू भी लगी हुई थी गाने। नहीं तो वो जो फूल दिए वो तो मैंने देखे थे कॉलेज में, उसे जब लेने गया तो हाँ तो ये किसी लड़के ने दिया ना, मैंने कॉल पे सुना, मैंने मैसेजेस भी देखे हैं सारे इसके, रोज रात को लगी होती है कॉल पे भी, मैसेज भी लगी होती है। नहीं मैंने यूनिवर्सिटी जब मैं लेके आ रहा था तो कह रही थी कि मैंने फूल देखे, मैं कहा मेरे फ्रेंड ने क्यों दिए, मैं कहा तुम ऐसे फ्रेंड ने खबर आ किसी लड़के ने दिया उसे थैंक यू बोल, उसको बुलाओ ना जरा। राबिया के दरवाजे से उधर जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से गई तो पापा को पता चल जाएगा कि मैं इधर खड़ी हुई थी, तो अब पापा ने मुझे बुलाया है तो बहुत ही काम खराब हो रहा है, मतलब मुझे पता है एक्चुअली में कुछ है भी नहीं, दाल में कुछ कहा लेकिन मुझे फिर भी ना डर लग रहा है पापा से। गाइस मैं इधर से आ रही हूँ, दरवाज़ा खोलो। ओके यार तो पीछे वाले दरवाजे से हम नहीं जाते, मैं किचन वाले दरवाजे से चले जाते, पापा को लगेगा कि मैं किचन में काम कर रही थी। तुम लोग पता है कितनी मुश्किल से दरवाजा बंद करो। अच्छा अब बहुत अच्छी प्लानिंग हो गई है, जैनब ने बहुत अच्छा काम किया और हिराब भी हमारा यहाँ पे प्रैंक देखते हुए। आपको नहीं पता? नहीं, मैं जो प्रैंक कर रही हूँ पता। हाँ हिराब को बता दूंगी, अब आपने जाना, आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, जाएं अब आप।
आपको ऑन कर दिया, ये पकड़ लें ठीक है। अब मैं जो ना खिड़की से उस साइड से वहां जाके वीडियो बना रही हूँ, हाथ में रखना बल्कि पापा को पता नहीं चलेगा ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ से ना बटन बंद कर देना ऐसे करके, मैं डर क्यों रही हूँ ठीक है। बंद करके वहां जाके बात करें पापा से, और मैं ये खिड़की से उस साइड से जा रही हूं। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। हां बहुत ही नहीं, एक मिनट अभी निकलना, जब मैं उधर पहुंचूंगी तब। एक मिनट, मैं इधर खिड़की से जाती हूं। ओके गाइस, सो फाइनली मैं आ गई हूं। एक तो मुझे अर्जेंट आना है, पता चले पापा ने कहना कौन आ रहा है, और मम्मा वो सामने खड़ी है। जैना भाई ये कहती मैंने बाबा ना जो रबे को फूल मिले, मैं कहूँ मुझे पता है मैंने डांटा इसको यूनिवर्सिटी में लेके आए, वो कह रही कि वो ना कि लड़के के बात करे उसको थैंक यू कह रही थी, तो उसको ब्लॉक। मुझे भी थोड़ा सा ना शक पड़ा था कि हो सकता है, मना किया भी इससे जिस तरह की चीज़ें मैं नहीं करता इसमें, ये क्या है मैं ब्लॉक थोड़ा सा समझाते हैं, समझ जाएगी। राबिया राबिया ओके यार, तो मैंने जैनब को कॉल करके बुलाया कि अब वो यहाँ से वीडियो बनाए, क्योंकि मैं अब मेरी क्लास लगने लगी है, मेरी एक्टिंग स्टार्ट। अब मैं फिर से यहाँ से जाके पीछे कमरे में आती हूँ और वहाँ से आती हूँ ठीक है। अब तुम्हें पकड़ लो कैमरा ठीक है, हैंडल कर, फ्लैश ऑफ करो, पापा को पता चलेगा। दफा जाओ, क्या लो राबिया आ रही हूँ पापा जी। इधर आओ। हाँ जी, आप यूनिवर्सिटी से जब आ रहे थे फूलों की बात हुई थी, तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि आपको ये नहीं ऐसे इस तरह की हरकत करनी है, आपको दे तो उसका जो रीज़न होता है कुछ और होता है। हाँ जी, तो आप वो जाना मुझे बता रही है कि वो आप मैसेज में भी थैंक यू बोल रही हूँ। नहीं वो तो वैसे मेरी दोस्त ने कहा था कि दिए हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता बोल दो नहीं, तो बोला आपको मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा गया ये सारी चीज़ें के लिए, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, आप कोई मसला मसाइल नहीं, मेरे बच्चों में इस तरह की एक्टिविटीज़ है ही नहीं किसी भी किस्म की, तो पढ़ाई के दौरान ये चीज़ें जो वैसे भी ठीक नहीं रहती, तो आपको फ्यूचर जो है इस तरह कैसे सेट होगा। तो लड़का कौन है? वो ही दोस्तों में ही थे। तो दोस्तों में थे तो आपको पता तो है भाई, दोस्तों में दोस्ती चलो ठीक है, वहाँ पर लड़कियाँ भी दोस्त होती हैं, लड़के भी दोस्त, वो तो आपका एक ग्रुप बने होते हैं यूनिवर्सिटी में, सारों के बने, आप ही के भी सारों के बने होते थे, तो इस तरह करते थे किसी ने कभी नहीं की। तुमने क्या नया पकड़ लिया? अभी तुम बच्ची हो इतनी सी, तो क्या हरकतें करती फिर रही। मैंने आपको यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा है ताकि अपनी तालीम को मुकम्मल करो, तो ये क्या काम शुरू कर दिए? लड़का जो है वो किधर रहता है, कौन है? वो क्लास का ही है। ये हाँ वापस करें, ये हीरा इधर बात सुनो जरा, ये देखो इसकी हरकत क्या की है, उसकी रिपोर्ट मिली है कि वो जैनब ने कहा कि वो ये मोबाइल में मैसेज करके जिससे लड़के से फूल लिए सुबह यूनिवर्सिटी मिले, उसको भाई थैंक यू बोल रही है। ये तो पापा ने आज पकड़ लिया, आई है फूल लेके। वो तो मुझे कौन सा लड़का पता नहीं, क्या यूनिवर्सिटी में कोई लड़का है कोई ऐसा, ये वो एक दो दफा मैंने किसी कॉल पे बात करते हुए सुना है, आप सो रहे थे एक दफा, और मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ और ये अंदर बात कर रही थी बेबी बेबी के। अब इसके जिंदर जूते पड़ने चाहिए, हाल है इनका, यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं गाइड। मैंने इसको तभी समझाया था, क्या तमाशा क्या हो रहा है, ये क्या नया घर हमारे में फर्स्ट टाइम ऐसा सुनने में आ रहा है, ये रबे के टाइम बाकी सारा कुछ सही था। पूल किधर है? वो ऊपर है बहन, वाकई कहाँ पे आप? ये लेके ये मैं जब यूनिवर्सिटी लेने गया था जिसके हाथ में थे, ये क्या मौसम है ना, कोई हैप्पी बर्थडे ना दान निकाल रही तुम, हीरा दान निकाल रही, दाल में काला लग रहा है। ये जैनब किधर है? जैनब नहीं, मोबाइल की बात नहीं है, मैं वैसे मजाक कर रही हूं, लेकिन इसको तो मैंने दो तीन दफा सुना है बात करते हुए, कहती ये दांत निकालने वाली बात है। मेरा पिक्चर भेजी है ना, इस पे मेरी जान ने छावर। ओए ओए राबिया के दांत निकल आए हैं, पापा का 2 किलो खून खुश्क हो गया है कि मेरी बेटी ने ये क्या कर दिया। पापा जी हाथ चला दे आपके साथ प्रैंक नहीं लगा आप, पापा दिल में कह रहे हो कि शुक्र है प्रैंक था, मतलब आप मैं 2-3 चंडे खा अभी मैं पापा गुस्से में तो आए हुए थे, हाथ चला दे कह रहे हो हाय कर दे।
लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ भला, आपकी शरीफ बेटी अपने बच्चों में मुझे कॉन्फिडेंस ही बहुत है कि माशाल्लाह कि ये थोड़ा थोड़ा डांट रहे थे पापा जी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? हाँ, अगर असल में ऐसा कर नहीं पा रहा था, इनके माइंड नहीं देन में अभी भी ना वो था कि पता नहीं है मैं झूठ बोल रही होगी, मुझे लग रहा हल्का फुल्का, लेकिन ये कि मुझे कुछ यकीन नहीं था, मुझे पता है ना आपका पापा एकदम से करते ज़ैनब वहाँ से निकली कहते सारे हंस क्यों रहे फ्रैंक्स ने हिराफी ने खोला आकर मैंने जो तो आज का प्रैंक का मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पापा अभी भी अफसोस में है कि हुआ क्या मेरे साथ, तो बहुत मजा आया। पापा जी आपको लगता है कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है, बताएं जरा। नहीं मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं अपने बच्चों पे ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा अंदर से मैं कोमा हो रहा था। हाँ पापा एकदम से ये सारे आए, पापा कहते हैं ज़ैनब है हीरा, और ये इसने इसने बताया भी मैं और करना था प्रैंक। मैंने ना मुझे पापा की शक्ल देख के लगाया था, मैंने कहा ये भी ज्यादा सीरियस हो रहा है, बता दो। हाँ और मम्मा कहती है दाल में कुछ काला लग रहा है। मजा आया पापा जी इस प्रैंक का? सही एक्टिंग सबसे अच्छी ज़ैनब ने की। मैं और ये लोग फूल का कह रहे हैं, फूल मैं आपको बता दूं मैंने खुद अपने हाथों से खुद खरीदा था मैंने फूल। वैसे फूलों पे ना रब है, मुझे डाउट हुआ था थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने आपको तो बता दिया था ना पहले ही। ओके यार तुम्हारा प्रैंक हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल था करना, लिटरली ये जो ये सीरियस प्रैंक है करना बहुत मुश्किल होता है। मजा आया मम्मा आपको प्रैंक करने का? ये ओके यार, सो होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग अगली वीडियो जो किस तरह की देखना चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।